जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमरान और आप देख रहे हैं द रेल न्यूज़। दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो टॉपिक है वो ये है कि तेजस एक्सप्रेस जो 200 किलोमीटर पर आर पर चल सकती है, तो फिर इंडियन रेलवेज इन्हें अपनी मैक्स परमिसिबल स्पीड पे क्यों नहीं चलाती, क्या है इसका रीज़न। तो आज इस वीडियो में आपको कवर करूँगा और 3 पॉइंट में मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्यों नहीं चलाती 200 किलोमीटर पर तेजस एक्सप्रेस को। और दूसरी बात ये है कि आप वीडियो स्किप करे बिना मत देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आप ये पॉइंट आराम से समझे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं तेजस एक्सप्रेस को 200 किलोमीटर पर आर पर चलाई जाती है। दोस्तों एक और बात आपको बतानी है कि मैं सोच रहा हूँ कि अब से फेस कैम वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ, तो अगर आप एग्री हो तो कमेंट करके नीचे बताइए, उससे आपको वीडियो और भी अच्छे समझ में आएगी और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँगा। और तीसरी एक बात ये है दोस्तों कि मैं कुछ दिनों के बाद एक गिव अवे करने जा रहा हूँ, तो उस गिव अवे में मैं आपको बहुत तरह के गिफ्ट्स मतलब प्रेजेंट करूँगा आपके लिए, जैसा कि होम थिएटर है, ट्राईपॉड है और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहे और मेरे वीडियोस को फॉलो करें, और वो जो गिव अवे जो आएगा मैं उसके बारे में आपको जल्द ही अनाउंस कर दूँगा, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही वो गिव अवे आने वाला है। तो आप चैनल पे मेरे साथ बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों तेजस एक्सप्रेस 200 किलोमीटर पर आर पर नहीं चल सकती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी तेजस एक्सप्रेस जिसको 200 किलोमीटर पर आर पर जो आराम से चल सकती है, उन्हें फिर भी मैक्स परमिसिबल स्पीड जो उनकी है उनमें नहीं चलाया जाता। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो उसका जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3 पॉइंट में आपको कवर करूंगा, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जो पहला पॉइंट है, आप आराम से डायग्राम देखिएगा, आपको समझ में आएगा ईजिली। दोस्तों जैसे आप डायग्राम पे यहाँ पे ट्रैक यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्लीपर है और दो तरफ यहाँ पे ट्रैक है, और बैलेस्ट के थ्रू ये जो गिट्टी है इसे हम कहते हैं बैलेस्ट, जो नीचे बिछाई गई है, और उसके बाद ये पेंड्रोल से इसे फिट कर दिया गया है दोस्तों। तो ये जो पहले की जो ट्रैक होती थी उसमें ये लकड़ी लगी होती थी, ये जो स्लीपर सीमेंट के बने हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता था, लकड़ी में पहले सड़ जाती थी बारिश की वजह से, इसके वजह से लकड़ी को हटा दिया गया और सीमेंट का बैलेस्ट यहाँ लगाया गया। तो दोस्तों पहला हमारा रीज़न होता है कि हमारी ट्रेन 200 किलोमीटर पर आर पर जो तेजस एक्सप्रेस है या गतिमान एक्सप्रेस है जो 160 किलोमीटर पर आर पर चलती है, उन्हें मैक्स परमिसिबल स्पीड उनके डेस्टिनेशन तक इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि जो विदेश में बुलेट ट्रेन चलती है दोस्तों, तो वो हमारी जो ये बैलेस्ट यूज़ होती है गिट्टी वाली, ये वाली बैलेस्ट वहाँ पर यूज़ नहीं होती दोस्तों। जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो कंक्रीट बैलेस्ट यूज़ होती है दोस्तों। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ये कंक्रीट बैलेस्ट। तो इस बैलेस्ट में क्या होता है कि ये सीमेंट के थ्रू यहाँ पे ये ट्रैक को पकड़ी रहती है और ये उखड़ती नहीं है। अगर इसमें हम 200 किलोमीटर आर 300 किलोमीटर आर पर आर पे भी स्पीड में अगर ट्रेन चलाएंगे तो ये उखड़ेगी नहीं, ये कंक्रीट बैलेस्ट का कमाल है दोस्तों। मगर यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप बैलेस्ट देख रहे हो गिट्टी वाला, इस पर क्या होता है, इसमें बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है दोस्तों। मतलब ये जो ट्रैक है ये ज़्यादा से ज़्यादा 180 किलोमीटर आर पर आर जो होती है ट्रेन की स्पीड, उसी को ये झेल सकती है। ज़्यादा स्पीड में हम ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाएंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस जो है इधर उधर हो जाएगी, जिसके वजह से ट्रेन एक्सीडेंट हादसा हो सकता है। और यहाँ पर देखिएगा ट्रैक मैंने यहाँ पे बार बार होते हैं जिससे इस बैलेंस की मेंटेनेंस की जाती है, इसे ऊपर नीचे किया जाता है। अगर ये ना करे, दो दिन इसे छोड़ दी जाए तो क्या होगा, बैलेंस नीचे से फट कर नीचे चूर हो जाएगी, जिसके वजह से ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए ट्रैक मैन को बार बार मेंटेनेंस के लिए बैलेंस देखिएगा आप इधर उधर करते रहते हैं, निकालते रहते हैं और उसमें डालते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें रखा जाता है। तो ये हो गया दोस्तों पहला रीज़न। दूसरा जो रीज़न होता है दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में रोज़ ट्रैक पे कोई ना कोई आपको मिलेंगे, या तो वो बैठे हुए वहाँ अड्डा मारते हुए मिलेंगे, या फिर आप देखेंगे टॉयलेट करने के लिए बहुत कोई ट्रैक ही पे पहुँच जाते हैं दोस्तों। तो आपने ये देखा होगा, तो ये हमारे ट्रैक पे लोग बैठे हुए रहते हैं। और ट्रैक पे तो आप दिल्ली में अगर आप जाओगे दिल्ली की साइड में, दिल्ली के एंड की तरफ, तो वहाँ पर ट्रैक के बगल में ही लोग घर बना के बैठे हुए हैं दोस्तों, जो रेल के ज़मीन पे कब्ज़ा किए हुए। तो होता क्या है, इससे क्राउड जो होता है ट्रैक पे होता है दोस्तों, उनके जो पशु हो गए, गाय भैंस हो गए, जितने भी लोग हैं वो ट्रैक पे छोड़ देते हैं। जो ये दूसरा रीज़न है दोस्तों, जहाँ फेंसिंग नहीं है, कवरिंग नहीं है रेलवे का, ना दीवार दी गई है ना फेंसिंग दी गई है, इसके वजह से जो पशु होते हैं और जो बच्चे लोग होते हैं, शरारती बच्चे, वो रेल ट्रैक पे आ जाते हैं, जिसके वजह से ही ये दूसरा कारण है दोस्तों ट्रेन को उनकी मैक्स परमिसिबल स्पीड मतलब 200 किलोमीटर पर नहीं चलाया जाता। मान लीजिए अगर इतने स्पीड पे ट्रेन चले और कोई बच्चा ट्रैक पे आ जाए या पशु ट्रैक पे आ जाए, तो इससे एक्सीडेंट हादसा होने से ट्रेन को भी नुकसान हो सकता है दोस्तों,
और आप जानते हैं कि हम जो होते हैं, गलती अगर हमारी भी होगी ना दोस्तों, तो हम आ जाएंगे आपसे लड़ने के लिए। ये हमारे देश में होता है दोस्तों, बड़ा ज़ोर होता है। अगर गलती हमारी भी है फिर भी हम लड़ेंगे आपसे। तो मान लीजिए किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो भी जाता है या पशु पशु का हो भी जाता है तो सब रेल पर ब्लेम करेंगे। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट दोस्तों। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि जो हमारी ट्रैक है आप देखते होगी वो डबल बीजी मतलब ब्रॉड गेज मतलब डुअल, एक आप एक डाउन ट्रैक होता है और कहीं कहीं पर आपको ट्रिपल लाइन या फोर लाइन आपको मिलती है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे क्या है, ट्रैक की कमी की वजह से हमारे ट्रैक पे इतनी ट्रेन है दोस्तों, जिसके वजह से जितने भी सुपर फास्ट राजधानी हो या दुरंतो जितने भी प्रीमियम ट्रेन है उन्हें भी स्लो कर दिया जाता है। मतलब जो उनके 130 जो उनकी मैक्स प्रिमिसिबल स्पीड है उन्हें उसमें भी नहीं चलाया जाता, उन्हें भी कम से कम 70-80 पे कभी कभी चलाया जाता है। तो होता क्या है कि आगे आगे कोई लोकल ट्रेन या ऐसी भी एक्सप्रेस ट्रेन होती है जो फंसी रहती है, जिसके वजह से जिसको क्लियरेंस दिया जाता है लूप लाइन में, उसके बाद इन ट्रेनों को पास किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, और दूसरा एक और कारण है कि मालगाड़ियाँ भी हमारे ट्रैक पे बहुत जोर होती है, इसके वजह से जो मेन लाइन है वो जाम हो जाती है, इसके वजह से जो हमारी प्रीमियम ट्रेन है वो अपनी मैक्स पेमिसबल स्पीड पर नहीं चल सकती दोस्तों। तो इसलिए अभी रेलवे ने जो प्लान किया है फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, तो ये ट्रैक बढ़ रही है, इससे क्या होगा जो फ्रेट वाली जो ट्रेन है वो अपनी ट्रैक पर चली जाएगी और बहुत से जो अनवांटेड लोकल ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन उन्हें बंद कर दिया जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा टाइमिंग पे गैप आएगा और जो ट्रेन मान ली हमारी प्रीमियम ट्रेन चल रही है उन्हें आराम से रास्ता मिलेगा जो अपनी स्पीड को बरकरार करते हुए ट्रेन को वो पार करेगी दोस्तों। तो ये है तीसरा कारण दोस्तों जिसके वजह से हमारी ट्रेन जो है तेजस एक्सप्रेस हो या गतिमान एक्सप्रेस हो या दुरंतो शताब्दी जितनी भी ट्रेन हो वो अपनी मैक्स प्रिमिसिबल स्पीड पर इसलिए नहीं चल सकती, जो मैंने आपको तीन पॉइंट ये कवर कर दिया है। दूसरा जो है वो है कि हमारी जो बैलेस्ट यूज़ होती है वो प्लेन गिट्टी वाली यूज़ होती है, जो हमारे ट्रैक पे वो कॉन्क्रीट बैलेस्ट यूज़ नहीं होता। आप बाहर जाओगे जापान वगैरह में तो वहाँ कॉन्क्रीट बैलेस्ट यूज़ किया जाता है दोस्तों। दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमारी फेंसिंग नहीं है, हमारे लोग ट्रैक पे ही बैठे होते हैं जिसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरा कारण ये है दोस्तों, हमारी फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो रही है, जब वो तैयार हो जाएगी दोस्तों तब उसके बाद जब फ्रेट कॉरिडोर में मालगाड़ी को डाल दिया जाएगा तो और बहुत से अनवांटेड पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया जाएगा तो हमारी जो ट्रैक है वो क्लियर होगी, जिससे प्रीमियम ट्रेन आराम से चलेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया वीडियो, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं अलग से स्पेशल किसी पॉइंट पर आपको एक और वीडियो बना दूंगा दोस्तों। और आपको कोई अलग सा वीडियो चाहिए जो आपको लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे हर वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, क्योंकि गिव अवे बहुत ही जल्द आने वाला है दोस्तों। और फेस कैम वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के रखिए अपना ख्याल, टेक केयर एंड जय हिंद।